पर लखनऊ से आ रही है, हाथरस हादसे में एफआईआर दर्ज होगी। कार्यक्रम के आयोजकों पर दर्ज होगा केस। शुरुआती जांच में आयोजकों की लापरवाही सामने आई है और उसी बिना पर अब एफआईआर दर्ज होगी। हाथरस हादसे में दर्ज होगी एफआईआर। कार्यक्रम के आयोजकों पर यह केस दर्ज किया जाएगा। शुरुआती जांच में आयोजकों की लापरवाही सामने आई है। ये वो पोस्टर जिसपे लिखे हुए हैं 6 आयोजकों के नाम जो फरार हैं, जिनके मोबाइल फोन्स भी बंद हैं। जब से यह हादसा हुआ है, ये 6 के 6 आयोजक इस पोस्टर पर जिनके नाम लिखे हुए हैं, वो नाम अपने स्क्रीन पर फ्लैश भी कर रहे हैं, वो गायब हैं और शुरुआती जांच में उनकी लापरवाही सामने आई है। लिहाजा अब इस पूरे हादसे पर एफआईआर होगी और आयोजकों पर केस दर्ज किया जाएगा। दीपक रंजन जी, एफआईआर दर्ज होगी इस मामले पर और आयोजकों पर केस दर्ज होगा, प्राइमरीली उनकी लापरवाही सामने आई है। आपके चैनल के माध्यम से देवतुल्य लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ, ऐसे 8 नंबर बाबाओं से बचें और जहाँ पर इंतजाम अच्छे ना उन जगहों पे जाने से बचें। देखिए, वही श्रद्धालु जो बाबा को सुनने गए थे, आज उसी बाबा को इनकी चीख पुकार सुनाई नहीं दे रही। अपना मोबाइल बंद करके पता नहीं किस दुनिया में चला गया वो। आज बेचारे कितने लोगों ने अपना परिवार को खोया है, कितने लोगों ने माँ को खोया है, कितने लोगों ने पिता को खोया है, कितने लोगों ने बच्चों को खोया है। जिन बाबा को सुनने गए थे लोग, आज उसी बाबा को इनकी चीख पुकार नहीं सुनाई पड़ रही। मैं तो कहना चाहता हूँ कि आयोजकों के साथ साथ पुलिस प्रशासन के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि जिला प्रशासन के नाक के नीचे इतना बड़ा हादसा हुआ। आप दिखा देंगे, इतने बड़े बड़े होर्डिंग बैनर पोस्टर कटआउट लगे थे, क्योस्क लगे थे, उस टाइम संज्ञान क्यों नहीं लिया इन लोगों ने? किससे पूछा इन लोगों ने? अगर नहीं पूछा तो क्यों नहीं पूछा? कितने लोग वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, इतने लोग वहां पर एकत्रित हो रहे हैं, क्या बाबा अपना पैदल फोर्स लेकर के चल रहा था वहां पे? पुलिस प्रशासन की क्या जिम्मेदारी थी? पुलिस प्रशासन ने उन लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था वहां पे? भाई, पैदल फोर्स लेकर के बाबा वहां पे चल रहा था, उनके आयोजनकर्ताओं के हवाले छोड़ दिया था इतने लोगों को, हजारों लोगों को? आज उसी का परिणाम है कि आज हमने इतने अपने लोगों को खोया है, आज वहां पे इतने श्रद्धालुओं को खोया है वहां पे, और अभी रेस्क्यू टीम चल रही है वहां पे। मैं समझता हूँ कि प्रशासन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि रेस्क्यू टीम को और बढ़ाएं और जितने लोगों की भी जानें बच सकती हैं, उन लोगों की जानों की चिंता करते हुए उनको हॉस्पिटलाइज करने का काम करें। सीएमओ की टीम और अगल बगल के जिलों से जो है डॉक्टर्स की टीम बुलाई जाए, जितने लोगों को हम लोग बचा सकते हैं उतने लोगों को बचाने का काम करें। समुचित इलाज की व्यवस्था की जा रही है संलिप्त है और आसपास के जिलों में जिला अस्पतालों को पहले ही अलर्ट कर दिया गया था घायलों के वहां पहुंचने से पहले, कि उनके इंतजाम पूरे कर लिए जाएं और सबको उचित और उत्कृष्ट इलाज मिल पाए। रतिभान त्रिपाठी जी, बाबा की अपनी फोर्स काम कर रही थी, उनके अपने कमांडो थे। एक चश्मदीद का वक्तव्य हमने सुनवाया अपने चैनल पे, वो एक बैच दिखा रहे थे, बिल्कुल वैसा ही बैच जैसे पुलिस वालों की वर्दी पर लगा होता है, उस पर उनका नाम और डेजिग्नेशन होता है, तो वैसा ही बैच वो दिखा रहे थे कि जब ये भगदड़ मची होगी तो बाबा के अपने भी कमांडो के कपड़े और बैच और सामान वहां बिखरा होगा, गिरा होगा, तो उसी में से वो दिखा रहे थे। तो मतलब बाबा के अपने कमांडो, अपनी फोर्स भी उनके आसपास है, वो तो सुरक्षित निकल गए, लेकिन उनकी मिट्टी, पैरों की मिट्टी पीछे लेने के लिए दौड़े हुए लोग काल के गाल में समा गए। अब ये बड़ा बहुत अजीब सा, बड़ा रहस्यमय वो मामला है कि कैसे जो है लोग ऐसे बाबाओं की पैरों की मिट्टी लेते हैं, उनकी अपनी श्रद्धा, उनकी आस्था इस रूप में होती है, और जब ऐसे बाबा, ऐसे लोग मर जाते हैं तो बाबा चुपचाप बैठ जाते हैं, गायब हो जाते हैं, अचानक लापता हो जाते हैं। तो ये तो बड़े विमर्श का विषय, बहुत चिंतन का विषय है कि ऐसे लोगों के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब आस्था है, आस्था के विषय में क्या कहा जाए? मैं बार बार कहता हूँ कि प्रयागराज में इतना बड़ा कुंभ मेला होता है, करोड़ों लोग वहाँ आते हैं, और मैं तो 35-36 सालों से लगातार देख रहा हूँ कि वहाँ कोई हादसा ऐसा नहीं हुआ कुंभ मेला क्षेत्र में, जबकि करोड़ों की भीड़ हुआ करती है। एक छोटी सी भीड़ 10,000 की रही होगी, 20,000 की रही होगी, इससे ज़्यादा भीड़ तो रही नहीं होगी जिस तरह से पंडाल दिखाई पड़ रहा है। अगर इतनी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासनिक इंतजाम अपर्याप्त थे तो ये प्रशासन की और जिला पुलिस की जिम्मेदारी थी, उन्हें देखना चाहिए था, और आयोजकों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, और उससे बड़ी जिम्मेदारी उस बाबा की जिस जो चुपचाप गायब हो गया, भाग गया, जो मोबाइल बंद करके कहीं बैठ गया, ऐसे बाबा पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिसके प्रवचन में, जिसके निकलने के चक्कर में लोग मरे। और जो है ये बड़ी दर्दनाक पीड़ा सबके सामने आई, ये बहुत ही गंभीर विषय है। इस पर सबको, जो भी प्रशासनिक इंतजाम किए जा रहे हैं, जो सभी स्वास्थ्य कर्मी वहाँ लगे हैं, मैं समझता हूँ कि आसपास के जिलों के लोग, आसपास के जिलों के अस्पतालों को भी अलर्ट किया गया है, और DGP और वहाँ मुख्य सचिव भेजे गए हैं मौके पर, 2 मंत्री संदीप सिंह और वहाँ लक्ष्मी नारायण जी जो क्षेत्रीय मंत्री, उनको वहाँ तैनात किया गया, कल मुख्यमंत्री जी के भी जाने की सूचना है।
तो ये चीजें हो रही हैं, लेकिन असल विषय उस बाबा से शुरू होता है जिनके कार्यक्रम में हादसा हुआ और वो उनकी पत्नी समेत बैठ गया, दिखा रहे हैं मोबाइल बंद कर, दोनों ही सिंहासन नुमा कुर्सी पर बैठे हुए हैं, सफेद कोट पैंट जैसा बाबा पहना करते हैं उस तरह की वेशभूषा में नजर आ रहे हैं, बराबर में उनकी पत्नी बैठी है सफेद शॉल ओढ़े और दोनों सिंहासन नुमा कुर्सी पर बैठे हुए हैं, बाबा के हाथ में माइक है और वो सत्संग कर रहे हैं, कथा प्रवचन जो वो समागम में किया करते हैं, बात कह रहे हैं और उनको सुनने के लिए वहां हजारों की भीड़ आई है। और हाथरस के 6 दोषी सत्संग के आयोजक जिन पर अब FIR दर्ज होगी, देव प्रकाश मधुकर, महेश चंद्र, अनार सिंह, संजू यादव, चंद्रदेव और राम प्रकाश, ये वो 6 नाम है जो कि आयोजक थे इस पूरे समागम के और अब वो फरार हैं, उनका मोबाइल फोन भी बंद है। इस बीच कुछ वक्तव्य आपको सुनवाते हैं इस पूरे हादसे से जुड़े हुए। बुड्ढी देवी, क्या हुआ था ये? जैसे हम लोग वहाँ से निकले हैं उसके बाद घटना हुई है, प्रभु की गाड़ी जैसे निकल के गई है ना, उसके बाद हुआ है ये, कुछ हुआ है तो। क्या हुआ था आपको, कुछ मालूम पड़ा? नहीं, ये बात नहीं मुझे मालूम है। बस मैं आ गए तब मालूम पड़ी। सत्संग चल रहा था ये हाथ सिकंदर राव से आ गए। अब जो तो पता नहीं क्या हुआ, मैं तो भाई भीड़ में तो निकले आए, पता नहीं साकार विसरी चले गए, फिर पता नहीं क्या हुआ वहाँ पर। आपको ये पता है भगदड़ मची हुआ कई लोगों ने? नहीं मुझे नहीं पता है, हम तो भाई निकले आए हैं। मतलब आशा की हमें नहीं पता है, हम तो मतलब माँ से निकल के बाहर आ गए, प्रभु की गाड़ी लेकर गई है, सही हम बाहर लेकर आए। जो उनका नाम गीता है, पत्नी पान सिंह की, वो यहाँ से गवर्नर पता नहीं चल रहा है। जिला बदायूं से क्या लोग आए थे? आए थे हम 8 लोग, एक वो एक नहीं है। कैसे हुआ या क्या हुआ था? ये पता ही नहीं, सब संगत में इधर को लोग गए हैं, वो पता ना क्या हुआ क्या ना हुआ। कितने लोग गायब होंगे लगभग? हमें ये पता जानकारी नहीं है। तो गायब है और भी लोग गायब हैं? और भी गायब सुने जाते हैं। नहीं मिल रहे? नहीं मिल रहे। छाया नाम है, आगरा से आए हम। बच्चे का नाम क्या है? छाया। कै साल की है? 15 साल की। अरे काम वाला नहीं भेजिए। नहीं मिल रही है भैया। भेज आप भी उस सत्संग में थी? क्या अच्छा चल रहा था? ओ भैया कितनी भीड़ थी वहाँ? बहुत भीड़ थी भैया। कैसे हुआ हादसा ये? भैया नीचे दब गए, बहुत पवन लगा, ऊपर जाके निकल गई, मच गई। हाँ भगदड़ मच गई, गाड़ी वाले आ गए, दबके ही हो गया है ये। हाँ ये जगदीश रोहिड़ी दिल्ली, जो खुद की पुलिस है, ये उनकी सिक्योरिटी गार्ड की जो पुलिस वाले बनते हैं। जैसे कि कमांडो छोड़ के भाग गए, जब दबे यहाँ पे, उनको अपने कपड़े का भी पता नहीं है कहाँ रहे हैं। तो ये उनकी नेम प्लेट है? हाँ उसी की प्रोसेस इसमें चल रही है, एक हाई लेवल कमिटी इसमें इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है, जो कि इन तथ्यों का पता लगाएगी किन चीज़ों के अंदर ये घटना हुई है। जो आयोजक हैं उनके विरुद्ध FIR हो रही है, FIR पंजीकृत होने के बाद वो भी आपसे शेयर कर लिया जाए। सर कितने लोगों की परमिशन थी इनिशियली? 80,000 की परमिशन इन्होंने मांगी थी। अभी जैसा मैंने बताया, एक हाई लेवल इंक्वायरी इसमें ऑर्डर की गई है, और क्या तथ्य निकल के आते हैं, कितने ज्यादा लोग आए थे, क्या कारण था, वो और उसमें क्लियर है। सर लोकल मीडिया में ये रिपोर्ट हो रहा है कि बस 72 पुलिस ऑफिशियल मौजूद थे वहाँ पे ग्राउंड पे, क्या ये सही बात है? नहीं, अब तो इसकी तहकीकात की जाएगी कि वहाँ पे डिप्लॉयमेंट कितना था, क्योंकि स्थानीय स्तर से डिप्लॉयमेंट होता है, इसको एक बार चेक किया जाएगा, और उसके अंदर जैसा मैंने बताया एक हाई लेवल इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है। तो इफ इट कम्स आउट कि अंडर डिप्लॉयमेंट था या कोई भी चीज थी, तो जो भी उसके अंदर कमिटी की फाइंडिंग, द नंबर ऑफ डिजीज इंक्रीज नाउ सर और द रेस्क्यू ऑपरेशन? नहीं, अभी जो हमारी जो इंफॉर्मेशन है, कोई एज सच फर्दर क्रिटिकल नहीं है, बट वी आर कीपिंग अ क्लोज वॉच कि जो है जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट है उनको दिया जाए, और कोशिश है कि जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करके PM करा के डेड बॉडी जो है परिजनों को सपोर्ट करें। अनआइडेंटिफाइड भी है? हाँ, अभी एक्चुअली बहुत सारे लोग जो हैं वो शिनाख्त कर रहे हैं, हमने वहाँ पर घटनास्थल पे भी अनाउंस कराया था जो मिसिंग है, प्लस प्रशासन और पुलिस द्वारा हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं, तो वी आर ट्राइंग टू जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम करा दिया, ये प्रयास। DGP साहब और चीफ सेक्रेटरी भी अभी आ रहे हैं जी। ओके,
तो लोगों की बातें हमने आपको सुनवाई, कोई अपने परिजनों का पता पूछ रहा है तो कोई बता रहा है कि किस तरह उसने क्या देखा, ये हादसा कैसे शुरू हुआ, कोई किसी को ढूंढ रहा है, तो उस तरह के वक्तव्य लगातार सामने आ रहे हैं। और एक बड़ी खबर आपको दे दे, हाथरस हादसे में 116 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। आईजी ने 116 मौतों की पुष्टि की है। आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, केस दर्ज कर जांच शुरू की जा चुकी है, आईजी ने यह जानकारी दी है। तो आधिकारिक बयान सामने आया आईजी का हाथरस हादसे पर, 116 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, आधिकारिक आंकड़ा सामने आया है और साथ ही आयोजकों के खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई है और केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, 116 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई और साथ ही आयोजकों के खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई है, जांच शुरू की जा चुकी है। आईजी रेंज ने खुद इस बात की पुष्टि की है और आधिकारिक रूप से आके ये जानकारी दी है, 116 मौतें हो चुकी हैं। हालांकि आंकड़ा और बढ़ भी सकता है क्योंकि कई घायलों की स्थिति काफी गंभीर है और साथ ही आयोजकों पर हो चुकी है FIR और पुलिस ने अपनी जांच भी शुरू कर दी है। हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ा हुआ है, प्रेम प्रकाश जी हैं, एक्स ADG प्रेम प्रकाश जी, अब क्योंकि ये क्लोजिंग रिमार्क रहेगा आपका, बड़ी कवरेज लगातार जारी है लेकिन आपने एक SOP का जिक्र किया था, बात चाहे अध्यात्म की हो, किसी तरह के सत्संग सेमिनार या कैसे भी बड़े कार्यक्रम आयोजन की, कोई SOP होना चाहिए उसके लिए, कुछ खास गाइडलाइंस होने चाहिए जो फॉलो होने चाहिए, चेक क्रॉस चेक भी होने चाहिए, उसका वक्त आ गया है, क्या होना चाहिए, इसका समाधान क्या है? ये इसकी चेकलिस्ट बनाई जानी बहुत आवश्यक है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके अनुसार उसकी एक चेकलिस्ट जारी हो, जब भी कोई आयोजन हो सबसे पहले उस पर ये रिपोर्ट ली जाए, LIU से अलग, पुलिस से अलग और एडमिनिस्ट्रेशन का लेखपाल और रेवेन्यू स्टाफ से अलग, उसके बाद ही कोई परमिशन दी जाए। उसके बाद मौके पर यह देखा जाए, जब भी कोई आयोजन शुरू होता भीड़ वहां पर आनी शुरू होती है, उससे पहले व्यवस्थाएं चेक की जाए, क्या जो पर्याप्त तो वहां पर संसाधन जुटाए गए हैं, क्या वहां मेडिकल की सुविधा दी गई है, क्या बैरिकेडिंग की गई है, क्या पर्याप्त स्थान है, यदि कोई एमरजेंसी होती है तो उसके लिए क्या एम्बुलेंस और अन्य चीजों की व्यवस्था की गई है, क्योंकि आज जो कहा गया है घटना होने के बाद में जो उसका मैनेजमेंट है वो और भी बहुत ही घटिया तरीके का देखा गया है कि उसमें वहां पर ना तो पर्याप्त डॉक्टर है, बिल्कुल ना ही डॉक्टर है और ना ही जिस शामियाने के नीचे इस समागम को किया जा रहा था उस शामियाने में इतना दम की बारिश की बूंदें